गुरु अपने सोने के लिए जगह बना रहा है। ये देखिए, बना लिया, चारों तरफ से इसने बना लिया है, बीच में बैठ गया है। और जब ये सो जाएगा फिर मैं इसको ढक के जाएगी। और अभी ढकेगी, रात के करीब वही 11:30 हो रहे हैं। ये सुबह के 7-8 बजे तक ऐसे ही ढका रहेगा, जब तक मैं आके इस कवर को हटाती नहीं तब तक ये बच्चा सोया रहता है। और कभी कभी बीच में उठता है ना तो मेरे गेट के पास जाके चिल्लाता है कि मौसी मौसी मैं जग गया हूँ, जब मैं कोई रिप्लाई नहीं देती। अब बताओ रात के 2 बजे कौन रिप्लाई देगा। तो ये बेचारा चिल्ला उल्ला के आके फिर इसी में सो जाता है। हाँ, आप ही के बारे में बात कर रही हूँ, कान नीचे करो। अरे रे 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 रे, बहुत नौटंकीबाज है, बहुत नौटंकीबाज है। अभी मैं टहल रही थी ना, तो भी मेरे पीछे पीछे टहल रहा था। मैं रुक रही थी, ये भी रुक रहा है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ तभी ये भी यहाँ पे आके बैठ गया है। और मैं अभी 10 मिनट नहीं हिलूँगी, अगर मैं फिर टहलने चली गई ना ये फिर उठ जाएगा। आइए मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ कि क्या कर रहा है। सो जा बेटा, सो जा, सो जा मेरा सोना बेटा। आओ उड़ा दो मेरा बच्चा, सो जा सो जा सो जा। अरे मेरा बच्चा, गर्माहट होगा ना बेटा, आप सो जाओ। ये देखिए, मैं हमेशा बिछाती हूँ नीचे ताकि ये सोए उस पर। और ये अत्ती करता है लड़का, ठीक से सोता नहीं है, ढकता नहीं है खुद को। बदमाश कहीं का, बहुत मारूंगी किसी दिन तुझे, बहुत मारूंगी अपने बेटे को मैं। हाँ हाँ मौसी है। अच्छा उठाऊँ? ये देखो खुद दांत पकड़ के और खींच रहा है। देखा मेरा बच्चा बहुत समझदार है। माना कि कभी कभी नौटंकी कर लेता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे बहुत समझदार है। ले बेटा ले, चलो सो जाओ। अरे मेरा सोना, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। और मैं इसको इधर से कवर कर देती है और मैं इसको ऊपर से कवर करेगी। पूरा मुंह वो ढक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हवा नहीं मिलता है सांस के लिए, पूरा हवा मिलेगा, ये खुद से बना भी लेता है। और मैं त्रिपाल से ऊपर से कवर कर देती है ताकि ये अंदर मस्त सो जाए। देखा आपने, ऐसे मैं केयर करती हूँ अपने बेटे का। बेटे के लिए मैंने स्पेस भी दिया है, नीचे बालू है, बालू के ऊपर बोरा, बोरा के ऊपर चट, चट के ऊपर कपड़ा। चलो जाओ बेटू, ठीक है बाय, गुड नाइट।